सन 2009 में इंदौर के एक रेस्क्यू ऑपरेशन में शूट आउट हुआ। उस शूट आउट में कई लोगों की जान गई। एक बच्ची को बचाया गया और अपराधी पकड़ा गया। 11 साल बाद उस अपराधी को सेशन कोर्ट मौत की सजा सुनाती है। 11 साल तक मृतक का परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब फैसला आया तो कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे हिंदुस्तान में एक भूचाल आ गया। प्रशासन से लेकर मीडिया तक में हंगामा मच गया। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में। आज हम जो केस देखने जा रहे हैं वो भारत के सबसे मुश्किल केसेस में से एक है, जिसे सुलझाने में पुलिस को काफी दिक्कतें आई। स्टेट वर्सेस जगन कुमार, केस नंबर 5697, साल 2009। सेशन कोर्ट के अपराधी जगन कुमार को मौत की सजा सुनाई गई है। जालसाजी, विश्वासघात, बच्चों की तस्करी, मर्डर जैसे इल्जामों के अंतर्गत उन्हें यह सजा सुनाई गई है। आज यहाँ हाई कोर्ट में सेशन कोर्ट के ऑर्डर के विरुद्ध उनके अपील की पहली सुनवाई है। माय लॉर्ड, 12 साल पहले 24 जुलाई 2009 की सुबह नया सवेरा एनजीओ, जो कि बच्चों के हित के लिए काम करता है, उसके को डायरेक्टर और जाने माने अवार्ड विनिंग सामाजिक कार्यकर्ता मानव प्रकाश को बच्चों के ट्रैफिकिंग करने वाले गैंग के बारे में अज्ञात टिप मिली थी, जिसके तहत उन्हें पता चला कि देवास के विजय कॉलोनी के 45/7A घर में दूसरे प्रदेश से लाई गई कुछ बच्चियों को बंदी बना के रखा गया है। इस खबर के मिलते ही मानव ने तुरंत एक्शन लिया। चलिए इंस्पेक्टर। मानव जी, आप यहीं पे रुकिए, हम अंदर जाते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा पहला रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है, इसके पहले भी मैंने किया है, आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं आऊंगा साथ में। ठीक है ठीक है, तुम दोनों यहाँ से कवर करो, तुम दोनों मेरे साथ में चलो, जल्दी। दरवाजे खोलो। देखो, तुम पुलिस से बच नहीं सकते, हमें पता है अंदर बच्चों को तुमने बंद करके रखा है। बैक! बैक! निर्मम हत्याकांड में एक पत्नी ने अपना पति खो दिया। एक 8 साल का मासूम बच्चा अपने पिता के साये से अलग हो गया और एक आजाद बच्ची से उसके पिता से मिलने का मौका छीन लिया गया। एक परिवार की सारी खुशियां इस तबाही की आग में झुलस कर रह गई। अब मैं लेट मानव प्रकाश की वाइफ मिसेस अर्पिता प्रकाश को बतौर विटनेस नंबर 18 स्टैंड पर बुलाना चाहूंगा। 24 जुलाई 2009 की सुबह सिर्फ मेरे पति की जान नहीं ली गई, बल्कि कई अनाथ और अभागे बच्चों से एक बेहतर जीवन जीने का मौका भी छीन लिया गया। लेकिन अगर आज जगन कुमार को मौत की सजा हो गई तो मेरे पति को इंसाफ दिलाने की जो प्रतिज्ञा मैंने ली है वो अधूरी रह जाएगी, क्योंकि जगन कुमार मेरे पति मानव प्रकाश की मौत के जिम्मेदार नहीं है। एक प्रतिज्ञा जिसे पूरी करने में 12 साल लग गए। इस लंबे दौर का सफर 2009 में इंदौर शहर से कुछ मीलों दूर देवास में शुरू हुआ था, जब एक रेस्क्यू मिशन के चलते प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता मानव प्रकाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये कहानी है उनकी पत्नी अर्पिता प्रकाश की, जिसने एक अरसा बीत जाने के बाद भी उम्मीद का दामन पकड़े रखा और ये लड़ाई लड़ी। इस केस की सच्चाई क्या थी? क्या जगन कुमार सच में निर्दोष था? 12 साल पहले मानव प्रकाश के साथ आखिर हुआ क्या था? साढ़े तेरी खा ले, फिर होमवर्क खत्म करके सो जा, नहीं तो बाबा आ जाएंगे। माँ तो ये की पहुंची, मुझे इस बार एग्जाम में फर्स्ट आना है,
और बाबा जब सो जाएंगे ना तो उनके सोने के बाद मैं फिर से उठ के पढ़ाई कर लूंगी। तुम्हें चिंता करो ना, ठीक है? चॉकलेट नहीं खाना आपको? चॉकलेट? पार्थ अंकल है और मेरा नाम मानो है। हम लोग आपका पूरा ख्याल रखेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, हम लोग आपके लिए एक अच्छा सा घर ढूंढेंगे, फिर आप वहाँ पे हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाना, फिर आप वहाँ पे अपने दोस्त बनाना, आपको अच्छा लगेगा, है ना? चॉकलेट? अम्मा के किचू चाहिए ना। सुन, बंगाली है लेकिन इससे ज़्यादा कुछ मुझे इसके बारे में पता नहीं है। काम करते उसको सुमन के चिल्ड्रेन होम में भेजते हैं, वहाँ पास में गोविंद स्कूल है, उसमें एडमिशन करा देंगे। मैं ऑर्फन है जो स्कूल प्रिंसिपल, दोनों से ही बात कर लेता हूँ। क्या हुआ होगा इसके साथ? इतनी छोटी सी बच्ची उस टेम्पो में कैसे पहुँची? ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस के इस ऑपरेशन में मेरे पति जो कि एक सिविलियन थे उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई, लेकिन उनके साथ जितने भी पुलिस ऑफिसर्स गए थे उनमें से किसी एक को भी गोली नहीं लगी? वो बच्चियां जिनको ट्रैफिकिंग गैंग ने बंदी बनाकर रखा था, जिनको उस दिन उस घर से बचाया गया था, उनका क्या हुआ? वो कहाँ गई? उनका किसी भी रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है। या फिर मैं ये सवाल पूछूं कि ऐसी कोई बच्चियां थी भी या नहीं? और मेरा आखिरी सवाल, वो इंसान जिसने मेरे पति को फोन करके टिप दी थी वो कौन था? उसका क्या हुआ? पिछले 12 साल में पुलिस आज तक उसके पास नहीं पहुंच पाई। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर उस दिन मेरे पति के साथ उस घर में हुआ क्या था। इनके स्टेटमेंट को कंसिडर ना किया जाए, मैं अदालत से प्रोसिक्यूशन विटनेस 18 मिसेस अर्पिता प्रकाश को हॉस्टाइल डिक्लेयर करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। हॉस्टाइल मैं नहीं, हॉस्टाइल आपका ये अपराधी जगन कुमार है जो पिछले 12 सालों से चुप खड़ा है। आखिर इसके चुप्पे के पीछे की वजह क्या है? ये क्यों नहीं बताता कि उस दिन उस घर में हुआ क्या था? मिस्टर मानो प्रकाश की पत्नी अर्पिता प्रकाश ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और सोचने वाले सवाल उठाए जिसके जवाब मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए अदालत सुओ मोटो लेते हुए इंदौर क्राइम ब्रांच को ये केस री इन्वेस्टिगेट करने के ऑर्डर्स देती है। इस भरोसे के साथ इस केस को दोबारा नए नजर से देखा जाए। पार्थ, अर्पिता भाभी की बात सच हुई और इसके पीछे कोई साजिश हुई तो अच्छा ही होगा। सच जो भी होगा वो सामने आ ही जाएगा। इन 12 सालों में मैं खुद को माफ नहीं कर पाया। उस वक्त शायद मैं टाइम पे पहुंचता तो आज मानव हमारे से। खैर, अभी जरूरी है हम अर्पिता भाभी को सपोर्ट करें। सच जो भी है वो सामने आ ही जाएगा। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Anika, happy birthday to you, happy birthday। अर्पिता करी ग्रांट हमें मिल गई ना तो अपना खुद का प्राइमरी स्कूल होगा और अपने एनजीओ के सारे बच्चे उसमें पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल मिल जाएगी, आपके प्रेजेंटेशन है इतने अच्छे। होप सो। रोल, कब से तू वीडियो बना रहा है यार? केक का? अरे मम्मी, पापा कितने हैंडसम दिखते थे ना, मैं तो उन पर ही गई हूँ, है ना? मम्मी, इस बार पापा को इंसाफ मिलेगा, उनके असली गुनहगारों को जेल। पता नहीं तरुण, इन्वेस्टिगेशन तो फिर से शुरू हो गई है, पर ये नई टीम अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेगी भी या आखिरकार है तो सारे पुलिस वाले ही? बेटा, एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई, आखिर 12 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो तुम्हारे पापा की जान चली गई?
भी तेरा खर्च निकल जाएगा। और सुन, यहाँ पहाड़ी लौट के मत आना, हाँ? भागीरथ की बस पकड़ना और अपने मासी के यहाँ चले जाना। इसमें उनका पता और फोन नंबर है। बेटा पई नाम है ना आपका? आंटी ने बताया मुझे। अच्छा नाम है। आपके मम्मी पापा कहाँ पे रहते हैं, कुछ याद है आपको? अच्छा ठीक है, आप मुझे मत बताओ, आप आंटी को बता देना ताकि हम आपके मम्मी पापा को ढूंढने की कोशिश करें। मुझे कहीं नहीं जाना है। लेकिन बेटा अगर आप हमें बताओगी नहीं तो फिर हम आपकी मदद कैसे करेंगे? ओके। मेरे खाना। शांत हो जाओ बेटा, कोई बात नहीं, आपको कहीं नहीं जाना ना, हम आपको कहीं नहीं भेजेंगे। आपको यहाँ पे अच्छा लगता है, आप यहीं पे रहना, ठीक है? शांत हो जाओ। देखो बेटा, अगर आपको किसी ने चोट पहुँचाने की कोशिश की तो आप हमको बताओ, हम उसको जेल भिजवा देंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे तो कहीं नहीं भेजोगे ना? प्रॉमिस, हम आपको कहीं नहीं भेजेंगे। आपको यहाँ अच्छा लगता है ना, आप यहीं पे रहना। यहाँ स्कूल में हम आपका एडमिशन भी करवा रहे हैं। आ रही तू, बोलो। तो मैंने तुमसे पहले ही कहा था। मुझे पता है, मैंने ही कहा था कि मैं नहीं चाहती पार्थ को कुछ भी पता चले। लेकिन अब मैं एक दिन भी ऐसा नहीं रह सकती। मैं तो कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारे इस फैसले का। अब आगे का कैसे करना? ये तो कितना टाइम लगेगा? हाँ आती हूँ, बस दो मिनट। ठीक है। पार्थ उठ गया, मैं तुम्हें कल मिलती हूँ। सर, ये मानव प्रकाश मर्डर केस की फाइल सिटी पुलिस स्टेशन से आई। सेशंस कोर्ट की जजमेंट कॉपी के अकॉर्डिंग जिस बंदूक से गोली चली थी उस पर जगन के फिंगरप्रिंट्स थे। जगन का स्टेटमेंट और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रिपोर्ट्स, एविडेंस काफी स्ट्रांगली प्रेजेंट किए गए थे, उसी के बेसिस पर कन्विक्शन हुआ था। लेकिन विक्टिम की वाइफ अर्पिता प्रकाश ने इनडायरेक्टली सिटी पुलिस स्टेशन के पीआई साहू और उनकी टीम पर यह इल्जाम लगाया है कि उनके पति मानव प्रकाश के मर्डर को कवर अप करने में वो लोग शामिल थे। सर, क्या आपको लगता है कि मिसेस प्रकाश जो दावा कर रही है वो सही है, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है सर? हाँ, लेकिन कोर्ट में इस तरह इतना बड़ा स्टेटमेंट देना कोई मामूली बात नहीं है। फिर तो मिसेस प्रकाश और भी बहुत कुछ जानती होंगी सर। मोहन, ये केस पुलिस की कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा हुआ है। अगर सच साबित हुआ तो मामला बहुत ही संगीन हो जाएगा। केस 12 साल पुराना है, फिजिकल एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें बहुत ध्यान से केस के हर एंगल को लॉजिकली स्टडी करना होगा। इस केस को न्यूट्रल पॉइंट से देखना होगा। ध्यान रहे, हमें सच का पता लगाना है, चाहे सच जिस भी साइड पर हो। सर, क्राइम ब्रांच ने यह केस टेक ओवर कर लिया था और वो अब एक नए सिरे से तहकीकात शुरू कर रहे थे। क्या अर्पिता का दृढ़ विश्वास सही था? और अगर ऐसा था तो फिर इस साजिश के पीछे किसका हाथ था? कोई तमाशा नहीं, मैंने तेरे गांव में तेरी माँ को तो मरवा ही डालेंगे और यहाँ किसी को तेरी उंगली भी नहीं मिलेगी, समझी? चल चल। देखो, देखो जाने दो, मैं सच में किसी से कुछ नहीं कहूंगी। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर आना है। 30 लगेगा, 1% कम नहीं। बहुत छोटी है, कहीं भी ले जाने में पैसे खर्च होंगे, इतना तो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, कोई और दे देगा। लड़की देखिए, मुंह मांगा दाम मिलेगा उसका। ठीक है, रात को आके ले जाऊंगा।
गई है। माना जी इन बच्चों को बचा लीजिए, इन्हें यहाँ बंदी बनाकर रखा जा रहा है, शायद कहीं दूसरे प्रदेश से लेकर आए हैं। बच्चों को बंदी बनाया हुआ कहाँ, कौन बोल रहे हैं आप? वो इधर देवास में विजय कॉलोनी प्लॉट नंबर 7 नंबर घर में घनश्याम कुमार का है। अभी 3-4 घंटे में उन्हें यहाँ से कहीं और ले जाया जाएगा, उससे पहले उन्हें बचा लीजिए प्लीज। देवास से विजय कॉलोनी, लेकिन ठीक है, लेकिन आप बोल कौन है, अपना नाम तो बताइए। विजय कॉलोनी फ्लैट नंबर 7 है, जल्दी कहिए। हेलो हेलो हेलो, सब ठीक है ना? अमानो क्या हुआ इतनी सुबह? उस समय तुझे बात बताऊंगा, पार्क देवास के विजय कॉलोनी में हाउस नंबर 7 में कुछ बच्चियों को ना बंदी बना के रखा गया है, बड़ा ट्रैफिकिंग रैकेट लगता है, मुझे टिप मिली है, तू जल्दी निकल। हाँ मैं निकलता हूँ, मैं अभी यहाँ एक दोस्त के जाऊँ, मुझे आने में 1 घंटा लग जाएगा, तू विजय कॉलोनी पहुँच, मैं डायरेक्ट वहाँ पर ही आता हूँ। अच्छा ठीक है, तू डायरेक्टली पहुँच जाना, मैं निकल रहा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, आप वहाँ जाओगे और? अर्पिता मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ वहाँ पे, पुलिस होगी साथ में और पार्थ भी आ रहा है ना, यू डोंट वरी, मेरा पहला रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है। हाँ इंस्पेक्टर साहब। मनोज जी आपका फोन आने के बाद हमारी टीम ने उस घर का इन्वेस्टिगेशन किया, एक गैंगस्टर है काली नाम का, कुछ साल पहले अरेस्ट हुआ था, वो इस घनश्याम कुमार के फैमिली का दूर का रिश्तेदार है। इंस्पेक्टर साहब मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मैं निकल रहा हूँ, आप पहुंचिए अपनी टीम लेके वहाँ पे। ओके, फोर्स आने से पहले आप अंदर मत जाइएगा, चलो चलो। उस वक्त अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि मेरे पति वापस लौट कर नहीं आएंगे तो मैं उन्हें कभी जाने ही नहीं देती। उस दिन मेरी उनसे आखिरी बार बात हुई थी, उनके जाने के बाद ही मुझे बहुत बेचैनी सी होने लगी, मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगे, लेकिन पता था कि मिशन पर गए तो वेट करते रहे। करीबन 11 बजे खबर आई। मानव की मौत ने मुझे बहुत बुरे सदमे में डाल दिया था, सारा सुध-बुध खो चुके थे, कुछ होश नहीं था और पता नहीं आगे कितने टाइम तक ऐसी हालत में जीते रहते। अगर पार्थ की पत्नी ऋतु के मुंह से उस दिन वो बात नहीं सुनती तो अच्छे इंसान के साथ ही बुरा क्यों होता है? उस मिशन में सभी पुलिस वाले सही सलामत बाहर आए, किसी और को एक गोली तक नहीं लगी, पर बेचारे मानव अपनी जान गंवा दी उन्होंने। अरे भगवान जी आखिर चाहते क्या है? अर्पिता जी हमने मानव जी को समझाया था कि आप बाहर रहिए, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द बच्चों को मिलना था, वो सबसे आगे रहे और उनको गोली लग गई। अच्छा सर ये बच्चे इनको कहाँ ले जाया गया, कहाँ पर है वो अभी? बाकी बच्चों को शायद ट्रैफिक कर दिया गया, सिर्फ एक बच्ची को हम रेस्क्यू कर पाए, उसे भी यही एक अनाथालय में रखा गया है। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं कौन से अनाथालय में वो, मैं मिलना चाहती हूँ उससे। नहीं नहीं ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट होगा और बच्ची की सेफ्टी का सवाल है। अच्छा सर वो इन्फॉर्मर जिसने मेरे हस्बैंड को कॉल करके टिप दिया था वो कहाँ पर है, उसका कुछ पता चला? नहीं अभी नहीं, वैसे भी वो कॉल यही इंदौर के एक लोकल पीसीओ से किया गया था। इंदौर के, तो उसे कैसे पता चला कि वहाँ देवास का करंट सिचुएशन क्या है और बच्चियों को कब कहाँ ले जाया जाएगा? उसे शायद किसी ने खबर दी होगी और हमें सब तभी पता चलेगा ना जब वो हमारे हाथ लगेगा। इंस्पेक्टर साहू से बात करने के बाद मुझे शक होने लगा कि जितना बताया जा रहा है वो पूरा सच नहीं है, उनके पास मेरे किसी भी सवाल का पुख्ता जवाब नहीं होता था, कोई लीड नहीं होती थी। मेरा शक और गहरा होता गया जब वो मुझसे मिलना अवॉइड करने लगे। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपसे मिलना इसलिए अवॉइड किया क्योंकि उनके पास कोई नए जवाब नहीं थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ पा रही थी और ऐसे में आपसे मिलकर वो आपको दुखी नहीं करना चाहते थे। नहीं सर, सच क्या है वो जानते हैं कि आखिर उस दिन देवास के उस घर में हुआ क्या था, वो बस मुझे बताना नहीं चाहते इसलिए नजरें चुरा रहे हैं।
आई थिंक आपको उनसे पूछताछ करनी चाहिए। एंड आई रियली होप कि इस बार पुलिस इंसाफ के साथ खड़ी होगी। आप निश्चिंत रहिए, हम चार्जशीट में सच ही सबमिट करेंगे, भले ही वो सच आपके फेवर में हो या ना हो, और सच वही होगा जो असल में उस दिन हुआ था। ये देख, ये तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन महंगे लग रहे हैं। क्या जरूरत थी, अभी शादी में इतना तो दिए थे। हाँ बेटा, तुम भी बहुत सोचती। देखो तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारे लिए ये क्या तो चांद तारे तोड़ लाऊंगा। अच्छा हाँ, तो ले आइए। मजाक कर रही हो? वो भी लाऊंगा, थोड़ा पास कर। अगली बार हार लाऊंगा तेरे लिए। मानव प्रकाश में गोली मैंने चलाई, हमारा गिरोह बच्चियों की तस्करी में शामिल था। उन बच्चियों को हम ही लोग ले गए थे ताकि आगे भेज सके, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने हम पे धावा बोल दिया। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे हैं सब सही हैं, मुझे अपनी सजा मंजूर है। जब तुम फांसी की सजा के लिए तैयार ही थे तो फिर कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अर्जी क्यों दी? मैंने नहीं दी, मेरी पत्नी ने दिया, वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ। मानव की पत्नी का मानना है कि तुमने खून नहीं किया है, क्यों ऐसा कह रही? सच क्या है जगन, क्या तुम किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि मानव की पत्नी सही कह रही है तो आप उसे साबित कीजिए। पहले आप चार्जशीट तैयार कीजिए, जब चार्जशीट तैयार हो जाए तब आके मुझसे मिलिएगा। मुझे अब और कुछ नहीं कहना। जैसे हारी मान चुका है, पूरी तरह से गिव अप कर चुका है। या फिर हो सकता है सर कि वो गिव अप करने का नाटक कर रहा हो आपकी सिंपथी पाने के लिए, ताकि अपनी सजा कम करवा सके, क्योंकि सर वो जानता है कि जुर्म उसी ने किया है। पिछले 12 साल में उसने अपना स्टेटमेंट कभी नहीं बदला सर, ये कभी नहीं कहा कि उसने ये नहीं किया है। इनफैक्ट सेशंस कोर्ट में भी उसने एक्सेप्ट किया था कि मानव प्रकाश पर गोली उसने चलाई। जगन कुमार और उस घर में मौजूद सभी गैंग मेंबर्स की केस फाइल स्टडी करते हैं। साहू सर, बैठो बैठो। थैंक यू साहू। तुम पर और तुम्हारी टीम पर मानव प्रकाश के मर्डर की साजिश को कवर अप करने का इल्जाम लगाया जा रहा है, सच क्या है? मिसेस प्रकाश ऐसा क्यों कर रही है? सर, उन्होंने अपना पति खोया है और अपने इस दुख के लिए वो किसी ना किसी को दोषी करार कराना चाहती है, और हम सामने पड़ गए। कोई और भी है जो 12 साल से सबके सामने है, दोषी करार है जगन कुमार। और मिसेस प्रकाश के लिए तो बहुत आसान होता बाकी सभी की तरह उसे दोषी मानकर जिंदगी में आगे बढ़ जाना। हो सकता है उन्होंने मीडिया का अटेंशन और पब्लिक की सहानुभूति के लिए ये सब किया हो, जिससे उन्हें आर्थिक फायदा हो जाए। और सर, मानव जी ने हमें सामने से खुद कॉल किया था, टिप उन्हें मिली थी, हम तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए गए थे, और वो है कि खुद ही आगे बढ़कर सब कुछ करना चाहते थे। रिस्क पता होने के बावजूद वो बच्ची का जिसे उस दिन रेस्क्यू किया गया था सर, उसे हमने एक ऑर्फेनेज में रखा था, शायद उसका क्लोज अडॉप्शन हुआ था। आप कहते हैं तो मैं उसकी डिटेल्स निकालता हूँ, लेकिन अब वो बालिक हुई होगी। लास्ट कहाँ तक ट्रैक होती है मैं पता करके आपको बता देता हूँ। वो मेरी टीम पता कर लेगी, आप बस ऑर्फेनेज की डिटेल्स शेयर कर दीजिए, और आप बेफिक्र रहिए, हमारी टीम निष्पक्ष जाँच करेगी। PSI मोहन आपका और आपकी टीम का ऑफिशियल स्टेटमेंट लेंगे। एनी टाइम सर, थैंक यू। मानो सरकार का आपके NGO को पूरा सपोर्ट है, और आपका NGO इन बच्चों के लिए जो कर रहा है, दैट इज रियली कमेंडेबल। थैंक्स। आदित्य सही कह रहा है मानव, अभी कल ही मैं आपके NGO नया सवेरा के बारे में न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ रही थी। वैसे अब तक कितने बच्चों को रेस्क्यू किया है आपने? लास्ट वाला केस लेके 438। वाओ, I'm impressed. हेलो, हाँ, इंदौर क्राइम ब्रांच मानव प्रकाश का मर्डर केस फिर से इन्वेस्टिगेट कर रहा है। मुझे इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम चाहिए। सर, ये पुलिस रिपोर्ट्स आ गई है, इसके मुताबिक घनश्याम कुमार, विष्णु कुमार, सुमित्रा देवी और जगन कुमार, ये सभी उस गैंग का हिस्सा थे। इनफैक्ट गैंगस्टर काली सुमित्रा देवी का दूर का चाचा लगता था।
और पुलिस रिपोर्ट में यह भी लिखा है सर कि इस गैंग की लीडर सुमित्रा देवी थी। सर ये केस फाइल है उन 5 गन्स की जो क्राइम सीन से बरामद हुई। इन सभी गन्स के ऊपर के लेटर का लोगो है। के मतलब काली। यस सर, ये काली का ट्रेडमार्क है। और इन गन्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट। यस। फॉरेंसिक रिपोर्ट से तो साफ है कि मानव पर गन से गोली चलाई गई और जगन के फिंगरप्रिंट्स भी मैच हुए थे, लेकिन इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहीं भी ये के लोगों का कोई जिक्र नहीं है। फॉरेंसिक ऑफिसर मेहुल दास, इनसे एक बार बात करके देखो। सर सारे एविडेंसेस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी एक बात खटक रही है कि मानव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उस पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाई गई सीधे हार्ट पर। ऐसा कैसे हो सकता है? मानव एक सिविलियन था, पुलिस शूटआउट के दौरान एक गैंग मेंबर उसके इतने करीब कैसे आ गया कि उसने मानव पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाई? अनलेस उसे शूट करना ही इस ऑपरेशन का मेन मोटिव था। सर लगता है कि अर्पिता जी बिल्कुल सच कह रही हैं। इस फेक एनकाउंटर को मानव को मारने के लिए ही प्लान किया गया था, क्योंकि मानव की कॉल रिकॉर्ड्स की स्टडी नहीं की गई थी, उसका कहीं जिक्र ही नहीं है फाइल में। मानव एक सामाजिक कार्यकर्ता था, पॉसिबल है कि बहुत लोगों को उससे प्रॉब्लम रही होगी। श्याम कुमार और उसका पूरा परिवार मिलकर एक गैंग चलाते थे। अभी एक महीना पहले घर में पुलिस वालों ने धावा बोला, पूरा परिवार गोलीबारी में मारा गया। वैसे आप उनको कैसे जानती हैं? वो मेरे पिताजी के गांव से ही हैं। शकीन नहीं होता कि गैंग चलाते थे, मतलब दिखने में कितने सीधे साधे लगते थे वो लोग। अच्छा इनके घर में कोई और है? अभी एक महीना पहले घर में शादी हुई। शादी? तो वो लड़की वो कहाँ है अभी? बेचारी अपने मायके में होगी। जी मैं मानव प्रकाश के पत्नी अर्पिता हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, आप प्लीज चली जाइए यहाँ से। पारुल, पारुल लेकिन मेरी बात तो सुनो एक बार। पारुल, पारुल, पारुल एक बार मेरी बात सुनो। पारुल, पारुल, पारुल एक मिनट मेरी बात तो सुनो। पारुल, पारुल मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। पारुल, पारुल सुनो ना, तुम ही हो मुझे सच बता सकती हो। नहीं जानती मैं, कुछ नहीं थी मैं उस दिन वहां पर, मैं यहाँ अपनी माँ के घर पर थी। पारुल लेकिन पर पुलिस जो बोल रही है क्या वो सच है? मेरी तरफ देखिए, मैं पेट से हूँ, सच बोलिए, क्या मेरा होने वाले बच्चे का बाप एक अपराधी है? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आप रोइए मत, आपकी रिहाई मैं करवाऊंगी। नहीं पारुल, मैंने ही किया है। तुम इन सब चीजों में मत पड़ो, तुम अपनी जिंदगी जियो, आगे बढ़ो। और नहीं खोना चाहती तो अपना मुंह बंद ही रखना। कौन बोल रहा है? तुम्हारा पति मेरे लिए काम करता है। अगर गलती से भी मेरा नाम आया ना तो याद रखना खून जेल में भी होते हैं। हेलो, हेलो, एक पत्नी जिसने अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी व्यवस्था का विरोध कर दिया, और दूसरी जिसने अपने पति का जीवन बचाने के लिए अपने मूल्यों का त्याग कर दिया। एक गर्भवती अवस्था में विधवा हो गई और दूसरी ने अपने पति के जीवित रहते हुए भी 12 सालों तक विधवा जीवन व्यतीत किया। क्या इस केस का सच कभी सामने आ पाएगा, या फिर सच सामने ही था लेकिन सबकी आंखों से ओझल था? बच के कहाँ जाएगी? आजा सामने से, कम मार पड़ेगी, तेरे को तो ढूंढ ही लूंगा मैं।
सूर्य से तुमसे कोई मिलने आया है। कौन? मानव अंकल? कम ऑन मानव, बोलो ना कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुमको पहले भी बोल चुका हूँ, निकलो यहाँ से। स्वाति ठाकुर, आदित्य ठाकुर की पत्नी, क्या वो मानव को पसंद करती थी? सिर्फ पसंद, वो मानव से ऑब्सेस थी, उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। आदित्य ठाकुर को ये सब पता था? सर श्योरिटी के साथ तो नहीं बता सकता, पर मुझे लगता है कि उसे इस बात का अंदाजा था, क्योंकि एक टाइम के बाद उसने हमारे एनजीओ को सपोर्ट करना बंद कर दिया था। इनफैक्ट उसी की वजह से हमारे एनजीओ को मिलने वाली ग्रांट भी कैंसिल हो गई थी। आरजी, क्या आपको लगता है कि मानव के मर्डर में आदित्य का हाथ होगा? सर ये तो मुझे नहीं पता, पर आदित्य ठाकुर उस वक्त भी बहुत पावरफुल था, और ये सब करवाने के लिए उसके पास ताकत और साधन दोनों ही थे। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। अजय सर, आपको इंटरनेशनल पैकेजेस के बारे में कुछ डिस्कस करना था ना? अरे काम की बात तो होती रहेगी, काम में सक्सेस पाने के लिए कलीग को करीब से जानना बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कौन सा फ्लेवर ज्यादा पसंद है, वनीला या चॉकलेट? क्या? अरे मैं तो आइसक्रीम की बात कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लगा? सर मुझे देर हो रही है, अगर कुछ काम नहीं है तो मैं निकलती हूँ। ये जरूरी नहीं, ये मौका बार बार नहीं जाता, ये जाने का मौका था। तुझे मैं कहां से कहां पहुंचा दूंगा? मानव ये गलत कर रहे हो, तुम मुझे झूठे केस में फंसा रहे हो। अजय जी मैं आपके तरह गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। आप कई सालों से अकाउंट्स में घपला कर रहे हो, मैंने तो बस आईटी वालों को इन्फॉर्म किया, क्या गलत किया मैंने? लेकिन तुम्हारा रितु से क्या मतलब है, क्या तुम इसके पति हो? दोस्त, और मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कोई मेरे दोस्त को इस तरह से हैरेस करे, और एक फीमेल को सेक्सुअली हैरेस करने के लिए आपको सजा मिलनी चाहिए। टैक्स फ्रॉड में कम से कम 6 महीने के लिए अंदर जाओगे आप, याद रखना। चल रितु। मेहुल जी, मानव प्रकाश के इस मर्डर केस में आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे, ऐसी कोई बात जो आपको लगता है कि इस फाइल में होनी चाहिए जो मेंशन नहीं है? आज भी ये केस मुझे बहुत अच्छे से याद है। देखिए इस केस में बहुत बड़ा लूपहोल था, क्योंकि क्राइम सीन से जो 5 गन्स बरामद की गई थी उनमें से 3 गन्स को जंग लगा हुआ था, मतलब कि उससे फायर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात तो इस फाइल में मेंशन नहीं है। मेरे रिपोर्ट में तो यही था, अब शायद आपके पास कोई अलग रिपोर्ट आ गई हो। वैसे मुझे कभी स्टेटमेंट के लिए भी नहीं बुलाया गया था। हाँ, अगर विक्टिम की बीवी ने कोर्ट में नहीं बोला होता तो शायद ये बात कभी पता ही नहीं चलती। मम्मी आज फ्राइडे है ना, तो पापा की कौन सी वीडियो देखें, बर्थडे वाली या पिकनिक वाली? साची आज ना हम पिकनिक वाली वीडियो देखते हैं। हाँ मम्मी जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म करो, फिर हम पापा की वीडियो देखते हैं। तुमसे मैंने इतनी बार पूछा, तुमने एक बार भी कुछ नहीं कहा, अब 12 साल बाद आ रही हो। मेरे पति को बचा लीजिए दीदी, मैं इतने बरस सिर्फ इसलिए चुप रही थी क्योंकि मुझे लगा था उनकी जान पर खतरा है। मैंने सोचा था कुछ बरस जेल में रहेंगे फिर बाहर निकल आएंगे, लेकिन उन्हें तो फांसी की सजा सुना दी गई। दीदी अब उन्हें फांसी हो जाएगी। नहीं पारुल, तुम टेंशन मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो जगन की सजा के खिलाफ हमें हाई कोर्ट में अर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें जगन को मनाना पड़ेगा। दीदी अगर मैंने सच बोला फिर से उनकी जान पर आ पड़ी तो? अरुल अब भी अगर नहीं बोलोगी तो वो कंफर्म जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि फांसी की सजा तो उसे मिली गई है। सर जगन ने अपने कन्फेशन में 5 बच्चियों के नाम लिए थे, श्यामा सहाय 12 साल की बहराइच से, जूही सिन्हा 10 साल की कानपुर से, कांता सहीमा 13 साल की पीलीभीत से, ईरा मिश्रा 11 साल की अमरोहा से, और रश्मि वर्मा 10 साल की। इनमें से रश्मि वर्मा ही रेस्क्यू हुई थी ना? जी सर। अब वो कहाँ है? मैंने उसे ट्रैक किया था सर, रेस्क्यू करने के बाद उसे यहीं इंदौर के एक चाइल्ड होम सनशाइन में रखा गया था, लेकिन 2 साल पहले वहाँ आग लग गई इसलिए सारे पेपर जलकर खाक हो गए, हमें केस फाइल नहीं मिली। हाँ मेरी वहाँ के वार्डन बीना मिश्रा से बात हुई,
उसने बताया कि रश्मि का क्लोज एडॉप्शन किया गया था। हाँ, लेकिन बीना को उसके अडॉप्टर का नाम पता है, कमलेश जैन और गीता जैन। उसने जो एड्रेस हमें बताया जब हम वहाँ गए, तो वो कपल अब वहाँ नहीं रहता। तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि इस वक्त रश्मि वर्मा कहाँ है? नहीं सर, लेकिन मैंने फोटो सर्कुलेट कर दिया है, आई होप कि कुछ पता चल जाए। मानव के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ मिला? यस सर, ये एक नंबर मिला है सर। मानव के मर्डर के ठीक 3 महीने पहले इस नंबर पर काफी बातें होने शुरू हो गई थी। किसका नंबर था ये? मानव के पार्टनर पार्थ जाधव की बेबी ऋतु जाधव का। मानव ही क्यों? अगर आपको कोई हैरेस कर रहा था तो आपने अपने पति पार्थ को क्यों नहीं बताया? सर, पार्थ मुझे लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। अगर उन्हें इस बात की जरा से भी भनक लगती कि मेरे साथ ऑफिस में कुछ गलत हुआ है, तो वो मुझे दोबारा काम करने ही नहीं देते। उस वक्त मेरा जॉब करना बहुत ज्यादा जरूरी था। पार्थ एनजीओ में काम करते थे और कमाई भी इतनी कुछ खास नहीं होती थी, और मेरे साथ ये सब हुआ है। ये सुनकर पार्थ एनजीओ की जॉब छोड़कर कोई दूसरी नौकरी करने लगते, जो मैं नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने मानव की मदद ली थी। और अर्पिता जी, उन्हें सब के बारे में पता था? उन्हें बहुत बाद में पता चला था। सर, काली की रैपशीट चेक की सर। 2006 तक वो गन का बिजनेस किया करता था। 2006 में यही इंदौर के उसके कंडे पर छापा पड़ा था। पुलिस ने सारा असला जब्त किया था, एविडेंस लॉकर में सब जमा किया गया था। सर, भोपाल के कपल का लीड मिला है। वो लोग भोपाल से शिफ्ट होकर उज्जैन चले गए थे। लेकिन सर, ये कपल कमलेश जैन और गीता जैन ट्रैफिकर है। ट्रैफिकर? हाँ सर, 8 साल पहले अरेस्ट हुए थे, और ये लोग ऐसे फेक एडॉप्शन भी करते हैं और आगे जाके बच्चों को बेच देते हैं। अभी फिलहाल बेल पर बाहर है, लेकिन मियां बीवी दोनों फरार हैं। तो क्या ये बच्ची रश्मि दोबारा ट्रैफिक हुई थी? हो सकता है सर। एक काम करो राणा, अपने नेटवर्क से पता करो कि इस कपल ने कितने बच्चों को कहां कहां ट्रैफिक किया है, और जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं या फिर जितने ट्रैफिकर्स जेल में हैं, उन सबसे खबर निकालो। यस सर। क्राइम सीन के फोटोग्राफ सर। घनश्याम की पोजीशन वहां थी, विष्णु यहां, सुमित्रा इस तरफ, और जगन की पोजीशन वहां पे तख्त के पास थी। चारों के हाथों में गन्स थी और चारों ने सामने की ओर पॉइंट किया हुआ था, और मानव की डेड बॉडी वहां से मिली। तुम दोनों घनश्याम और विष्णु की जगह पे आ जाओ। मोहन, तुम मानव की डेड बॉडी की जगह पर जाओ। अब तुम दोनों अपनी जगह से मानव की डेड बॉडी के पॉइंट तक स्टेप काउंट करो। सर 10, 11। तुम सुमित्रा के पॉइंट तक और तुम जगन के पॉइंट तक स्टेप काउंट करो। यानी कि इन चारों में से कोई भी मानव के इतने करीब नहीं था कि उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मार सकता। मोहन सर, तुम इसी पोजीशन में लेट जाओ जैसे मानव की डेड बॉडी मिली। अपने पैरों को दरवाजे की तरफ एंगल कर लो। यस, और अब इसी एंगल में सीधे खड़े हो जाओ। अगर इन चारों में से किसी ने मानव पर गोली चलाई होती, तो गोली मानव की पीठ या उसके कंधे पर लगती, लेकिन मानव को गोली यहां उसके हार्ट में लगी थी, और गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से चलाई गई थी। यानी कि गोली इस तरफ से चलाई गई थी। इसका मतलब है गोली चलाने वाला घर के अंदर नहीं, घर के बाहर था। इसका मतलब है सर कि मानव पर गोली किसी और ने चलाई है। Yes. मानव का मर्डर पुलिस शूटआउट में हुआ ही नहीं। It was a cold blooded murder. यहाँ पर कोई रेस्क्यू मिशन नहीं हुआ था। ये एक प्लान सामूहिक हत्याकांड था। मैसकर।
फेक एनकाउंटर। ठीक से गिनना घाव, अगर गलती से भी मुंह खोला ना तो इससे दुगने घाव दूंगा, तुझे नहीं तेरी बीवी को। तेरी बीवी की ऐसी हालत कर दूंगा ना मैं कि मौत के लिए तरसेगी वो। सीधे सीधे कबूल कर ले, ये जुर्म तूने किया है, हमारे पास एविडेंस है तुम्हारे खिलाफ। ज्यादा हल्ला मचाएगा ना तो भी तुझे जेल होगी। हाँ, अगर कबूल करेगा ना तो तेरी सजा में कम कर दूंगा। उस दिन वहां पर क्रॉस फायरिंग हुई नहीं, सिर्फ एक तरफ से फायर हुआ था। तुम बताओ कि सच क्या है, उस दिन वहां पर क्या हुआ था और तुम इतने सालों तक चुप क्यों रहे? पुलिस। क्या सब, क्या चाहिए? हफ्ता। तुम्हारा नाम रश्मि वर्मा है जिसे 24 जुलाई 2009 को देवास के विजय कॉलोनी से रेस्क्यू किया गया था और बाद में इंदौर के एक चाइल्ड होम से कमलेश जैन और गीता जैन ने अडॉप्ट किया था? नहीं, अभी नहीं। क्या जगह, अब सुबह की चाय पारुल ने बना के तू चाय नहीं पिएगा? समझा दीजिए पिताजी, जब से शादी हुई मजाक ही उड़ाता रहता है मेरा। दरवाजे खोलो। देखो, तुम पुलिस से बच नहीं सकते, हमें पता है अंदर बच्चों को तुमने बंद करके रखा है। देखो, अपने आप को सरेंडर कर दो वरना मुझे सख्ती करनी होगी। पापा, पुलिस आ गई। बोलो, बैठ बैठ। लगता है हमें गलत टिप मिल गई, माफ करना, गलत फहमी हो गई हमें। हम जाते। सामने हूँ, मेरे पूरे परिवार ने दम तोड़ दिया। एक ही झटके में पूरा पूरा परिवार समाप्त हो गया। मैं कुछ भी नहीं कर पा। मानव प्रकाश पर गोली किसने चलाई थी? इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं हमारी अगली विटनेस को बुलाना चाहूंगा। ये वो बच्ची है जिसे 12 साल पहले विजय कॉलोनी के हाउस नंबर 45/7 से रेस्क्यू किया गया था। कोर्ट को बताइए कि 12 साल पहले आपके साथ क्या हुआ था? मुझे विजय कॉलोनी लाया गया था, मैं इनको पहचानती भी नहीं। जब मुझे उस घर से लेके आए तो भोपाल के एक आदमी को मुझे बेच दिया गया था। उसी दलदल में मैं फंस गई थी जहां से मैं बच निकली थी। मेरा नाम रश्मि वर्मा नहीं है, मेरा नाम परी है। मानव भैया ने मुझे नई जिंदगी दी थी, मेरी जिंदगी सुधरने वाली थी, लेकिन उससे पहले उन्हें मार दिया गया। आपको जगन कुमार के घर कौन लाया था? एनजीओ से तुमसे कोई मिलने आया है। कौन? मानव अंकल। लगता है हमें गलत टिप मिल गई, हम जाते। डिटेल्स भी है जो ये प्रूव करेगी कि मर्डर के वक्त मिस्टर जाधव देवास में थे। क्यों किया तुमने ऐसा? नया सवेर एनजीओ की आड़ में रेस्क्यू के बच्चों को ट्रैफिक कर रहा था और साहू मेरी मदद करता था। मुझे परी के लिए एक बहुत अच्छी डील मिली थी। रोमानो,
मसीहा बनने के चक्कर में बार बार उससे मिलने जाता था। अगर मैं परी को बेच देता तो उसे भनक लग जाती और फिर वो शांत नहीं रहता। मैं डर गया, मैं नहीं चाहता था कि उसको पता चले। मैंने साहू की मदद लेके उसको मारने का प्लान बनाया। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पार्थ जाधव, इंस्पेक्टर साहू और इसमें शामिल पुलिस फोर्स ने जानबूझकर मानव प्रकाश को ट्रैप करने और मारने के इरादे से उस दिन उस घर में बुलाया। इतना ही नहीं, इस साजिश को अंजाम देने के लिए मानव के साथ साथ पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी और एक निर्दोष आदमी को 12 साल के लिए जेल में रहना पड़ा। ये अदालत सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। परी के रिहैबिलिटेशन का जिम्मा ये कोर्ट उठाती है। अगर परी चाहे तो अपने देश वापस जा सकती है। साथ ही ये कोर्ट जगन कुमार से माफी मांगती है। निर्दोष होने के बावजूद उन्हें 12 साल जेल में कैद में रहना पड़ा, लिहाजा ये कोर्ट जगन कुमार को बाइज्जत बरी करती है। अत्यंत पीड़ा, निराशा और कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार निर्दोष जगन कुमार को 12 साल बाद रिहाई मिली। लेकिन आज भी ऐसे कई लोग हैं जो जेल में बंद हैं और कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहू और पार्थ जैसे लोग हमारे समाज में बुराई और भ्रष्टाचार का प्रतीक है, जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ। क्राइम पेट्रोल सतर्क, जस्टिस रिलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।